हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए 4:1 मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड CH4 इज कंटेन इन ए वेसल एट 20 bar प्रेशर। ड्यू टू ए होल इन द वेसल द गैस मिक्सचर लीक्स आउट। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर एफ्यूजिंग आउट इनिशियली। सो द की कॉन्सेप्ट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, देखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फॉर द गैसेस क्या कहता है। ये कहता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन। सपोज लेट्स से हमारे पास दो गैसेस हैं, ओके ए एंड बी, ए एंड बी, ओके। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलर मास ऑफ गैस ए व्हेन द टाइम ऑफ डिफ्यूजन इज सेम। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। फाइन, सो दिस विल बी इक्वल टू एंड पी एच ई। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, सो देखो अगर हम देखते हैं यहां पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन देखते हैं किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम एंड मीथेन। सो दिस इज 4:1 गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, 4:1 है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 4 एंड 4/5 टोटल मोल्स। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है हमारा, 20 bar। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 5, 4 times 20, ये आ जाता है हमारा 16। सिमिलरली हम फाइंड करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन CH4, सो दिस विल बी इक्वल टू मीथेन के कितने, 1/5 एंड टोटल कितना है 20, सो 5, 4 times 20, सो दिस इज इक्वल टू 4। इतना क्लियर है? सो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम टू द मीथेन कितना आ रहा है हमारा, 16:4। ये चीज क्लियर है? नाउ हम क्या कर लेते हैं, ये ना जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो कहता है वो अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन मल्टीप्लाई बाय मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम। ठीक है, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं किसका, CH4 का। ठीक है, सो मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 एंड वी हैव 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, 1 कितना हो जाएगा 4, सो दिस इज इक्वल टू 16 g/mol। एंड सिमिलरली हम फाइंड करते हैं मॉलिकुलर मास ऑफ हीलियम, वी नो दैट कितना होता है, 4 होता है, 4 g/mol। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू, वी विल हैव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, दिस विल बी इक्वल टू 16/4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 16/4, सो दिस इज इक्वल टू 4, 4 times 16, 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 16 इज 4, अंडर रूट 4 इज 2, सो 2, 2 times 4, सो ये कितना आ जाता है 8/1। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 8/1, दैट मीन्स रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज इक्वल टू 8:1, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।